अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के लिए, बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है इसे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाले सवालात हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ज़ीरो से शुरू करके जेड तक ले ए से शुरू करके जेड तक लेके जाऊँगा मैं आज आपको। बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी, थोड़ा सा देख लो वीडियो को, रिव्यू वगैरह ले लो, अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, आप लोग गैस पेपर ज़रूर बाय कर लें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इससे आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ आपके सामने, देखा होगा आपने, तो वो इसीलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि भाई ये सारा सिस्टम हमारा चल रहा होता है, तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 200 में तमाम मिलेंगे, ऑल है। बच्चे सोच रहे हैं एक के हैं, नहीं भाई एक के नहीं है, 200 में तमाम है। 200 में ईजी पैसा करो, आपको तमाम PDF आ जाएगा, आप चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो उसका, 100-200 में प्रिंट निकल जाएगा, तो 300 रुपये में 400 रुपये में आपके गैस पेपर आपके हाथ में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बता भी रहा हूँ। गैस पेपर में सब शामिल है, सारे सब्जेक्ट हैं, इसको ज़रूर बाय करो, एक बार लेके ज़रूर चेक करो। देखो 200 रुपये में रिस्क तो ले सकते हो, मैं तो ये कहूँगा रिस्क ले सकते हो, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, बेशक 200 रुपये भी रकम है, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन आप रिस्क लेके देख सकते हो और इंशाल्लाह मायूस नहीं होगे, तो ज़रूर बाय कर लेना। ग्रुप में ऐड हो तो फ्री मिल जाएंगे, और ग्रुप की फ़ीस सालाना एक बार देनी है आपको, 2000 रुपये है, आपको पता है सालाना, तो अगर ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ फ्री हैं, लेकिन अगर सिर्फ गैस पेपर चाहिए तो ये ऐसे 200 रुपये में, तो आप लोग इसको ज़रूर बाय करना। इजी पैसा नंबर आया होगा उसी पे करना, हमें बता देना, हम सेंड कर देंगे, कुछ ना समझ में आप पूछ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अच्छा देखें कहते क्या है, ग्राफिकली जब भी ये वर्ड आ जाए ना फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में, इसका मतलब ये है कि आपको या तो ग्राफ बनाना है या ग्राफ से कोई चीज़ निकाल कर आपको बतानी है। आपने ये चीज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखी होगी कि ग्राफिकली आपने वो इक्वेशंस निकाली थी। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो एक एक करके समझते हैं। अच्छा फाइंड द पॉइंट, अब ये फाइंड का मतलब तो पता है सब बच्चों को, अब ये कह रहा है द पॉइंट। अब ज़रा मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले ज़रा ग्राफ की कुछ शक्ल ड्रॉ कर लो। ठीक है, अच्छा अमूमन जो इधर हमारे पास ग्राफ बनेंगे वो नेगेटिव में भी होंगे और पॉजिटिव में भी, तो इसीलिए आप ऐसे वाला ग्राफ बनाना। ठीक है, जिसमें नेगेटिव का एक्स एक्सिस भी हो, पॉजिटिव वाला भी हो और वाई भी हमारा सही आ रहा हो। ठीक है, चलो ये आपके आ गया ग्राफ। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट बन रहा होगा, है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट बन रहा होगा जिसकी कोई एक्स की वैल्यू होगी और जिसकी कोई वाई की, और दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये कहते हैं ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट, आपने ग्राफ में एक पॉइंट बताना है। अच्छा अभी पॉइंट यहाँ नहीं बताना, अभी देखो आगे पता चलेगा। ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन, इंटरसेक्शन कहाँ पर कर रहा होगा, आगे पढ़ो। ऑफ द फॉलोइंग, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट करना, अगर इसको सिंपल कर दूँ तो इसका मतलब होता है कट करना। ठीक है, इंटरसेक्शन कट करना, यानी जैसे आप गोश को कट करते हो, लाइन को भी इसी तरह कट किया जाता है। ठीक है, ऐसे आ गई कोई लाइन, कट हो गया ना इस तरह से। अच्छा थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस गिरा दूँ ताकि अच्छा समझ में आए, चलो बात समझ में आई ना। ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा अब लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या है, जब भी आपको ये लीनियर का वर्ड लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी जो भी आपका ग्राफ बनेगा उस पर जो लाइन बन रही होगी ना वो स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, उसमें कोई कर्व नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एक लीनियर लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इस फंक्शन की मदद से, यानी इस इक्वेशन की मदद से। देखो फंक्शन जिसे कह रहे हैं ना, बेसिकली ये आपका जो फंक्शन है ना ये इक्वेशन ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं इसे इक्वेशन की शक्ल में भी लिख दूंगा। फंक्शन को ये भी कहा जाता है कि आप इसमें कोई एक्स की वैल्यू पुट करते हो और ये कोई और वैल्यू आपको देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक्स 0 रखूँगा, कोई और वैल्यू मिलेगी 7 मिलेगा,
यहाँ मैं एक्स वन रखूँगा, एक्स इक्वल टू वन रखूँगा, तो ये मुझे एट या नाइन मिले एट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, बस ये कहना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन की मदद से, यानी इस इक्वेशन की मदद से आप ग्राफ बनाओगे। अच्छा, वो जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा। अब किधर कट कर रहा है वो आपने बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब ये निकलेगा कैसे, देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैंने बोल दी हैं तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी ना, इसको क्लैरिटी में ले आता हूँ। सिंपल करके ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास, ये वाई के बराबर है, ये याद रखना, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर एक टेक्निक अप्लाई करोगे जो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, तो फिर उसकी मदद से आपको ये लाइन, ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर बनेगी, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है और ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट, वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, वो आ जाएगा। फिर उन दोनों को उठाकर आप एक साथ लिख दोगे तो ये आपका पॉइंट निकल आएगा। समझ में आ रही है ना बात? चलो, तो वो पॉइंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ताकि अगर कोई बात नहीं क्लियर हो रही वो समझ में आ जाए। अच्छा, एक बात याद रखना, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट नहीं निकलेगा, दो पॉइंट्स आएंगे आपके पास। तो छोटी मोटी इधर मिस्टेक थी तो मैंने इसको ठीक कर दिया। चलो, अब आओ इसको समझाता हूँ। आपने क्या करना है, याद रखना, जब भी आपको ये कहा जाए ना, मेरी बात सुनो, लिख लो अपने पास, जब भी आप स्टूडेंट को ये कहा जाएगा ना, बेटा एक्स एक्सिस पे लाइन कहाँ कट कर रही है ये बताओ, यानी ये पूरी लाइन आप बनाओगे, इसको नंबरिंग भी कर देता हूँ चलो, ताकि ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी आ जाए, क्लियरिटी आ जाए। अभी देखना, आप बोलोगे सर अच्छा ये बात थी, तो ज़्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ कैसे बनना है, ग्राफ बड़ा बन जाएगा थोड़ा, तो काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले हमें देखना होता है कि हमारे जो लाइन है या हमारे जो पॉइंट हैं वो सारे इस पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे पास x की वैल्यू आ रही हो 19 और हमने ग्राफ सिर्फ 7 तक बनाया हो, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमारा ग्राफ 19 तक जाना चाहिए, यानी हम बना सकें पूरी लाइन को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आपको बात बहुत अच्छी समझ में आएगी, 9। अच्छा, ये नेगेटिव में आ गया, 1 2 3, और हमेशा ग्राफ पेंसिल से बनता है, पता है टीचर काट देते हैं अगर हम पेन से बना के ग्राफ उनके सामने ले जाते हैं ना, क्योंकि ग्राफ एक स्केचिंग है, एक ड्राइंग है, और ड्राइंग आपको पता है किससे की जाती है, पेंसिल से की जाती है। तो ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाएं, कभी भी पेन से ना बनाएं। मेरे सामने अगर कोई बच्चा पेन से बना के लाएगा, मैं तो भाई सिंपल 0 नंबर दे दूँगा। उसकी वजह यह है कि उस बच्चे को ये नहीं पता कि ग्राफ किससे बनता है, तो ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनता है, क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं बाद में, जहाँ पर बेहतरी लानी है बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है, इसीलिए पेंसिल से। तो ये इस पूरे सवाल में क्या कह रहे हैं, अगर आसान करके बताऊँ तो ये कह रहे हैं ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस इक्वेशन की मदद से। कैसे, कि मैं जो है कोई टेक्निक अप्लाई करूँगा उसकी मदद से आपको वो इक्वेशन नज़र आएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस इक्वेशन की मदद से। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा होगा, वो पॉइंट बता दो, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट बता दो, और वाई एक्सिस को। अच्छा, नेगेटिव में भी कट कर सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें बताना है। चलो आ जाओ, पता करते हैं। अच्छा, याद रखना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है ये प्लूलर है, सिंगुलर क्या होता है इसका, एक्सिस, प्लूलर क्या होता है इसका, एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये बताना है। जब आप 2D ग्राफ बनाते हो तो आपके पास सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वो नेगेटिव में भी होता है, यानी एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस नेगेटिव में भी होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव में होता है, लेकिन वो दो एक्सिस कहलाते हैं, 4 नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, आओ पता करते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस या एक्स इंटर, थोड़ी सी स्पेलिंग गलती हो गई है, इंटरसेक्शन, फॉर एक्स
एक्सिस इंटरसेक्शन या एक्स इंटरसेप्ट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वाई की वैल्यू को ज़ीरो रखना होगा। याद रखना, जब भी एक्स इंटरसेप्ट पता करना हो या एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये पता करना हो, तो वाई की वैल्यू को ज़ीरो रख दिया जाएगा। अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, अभी तो आपके पास ये दिया हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, तो ये एफ एक्स कुछ नहीं है, ये सिंपल वाई ही है, ठीक है, ये वाई को ही दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक्स इंटरसेक्शन पता करना है, यानी एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये पता करना है, तो सिंपल आपको वाई की वैल्यू को ज़ीरो रख देना होगा। जब वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, देखो यहाँ वाई ज़ीरो है, तो आप आपको पता चल जाएगा एक्स पे कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो चलो ये इसको, ये ज़ीरो आ गया ना आपका, तो ये इधर पुट कर दो ज़ीरो को, तो ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, इसको इधर ले जाओ तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन। अच्छा, तो पॉइंट क्या बनेगा, ज़रा पॉइंट बना के दिखाओ मुझे। पॉइंट बनेगा आपके पास, पॉइंट बनेगा, पॉइंट वन होगा ये आपके पास, ये होगा माइनस सेवन, हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, और ज़ीरो, यानी ये माइनस सेवन पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट भी बनाते हैं। अच्छा, अब वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, इसको पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखो फॉर वाई इंटरसेक्शन, फॉर वाई एक्सिस इंटरसेक्शन, फॉर वाई एक्सिस इंटरसेक्शन आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू को ज़ीरो रखना है, ठीक है। तो पुट करो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, रट्टा लगवा देता तो अच्छा समझ नहीं आता, इसलिए पूरी बात समझाइए, ज़ीरो प्लस सेवन तो ये सेवन, हाँ सॉरी, तो ये सिर्फ सेवन बच रहा है, पॉजिटिव में सेवन, ठीक है। अच्छा, तो क्या दो पॉइंट निकले, पॉइंट वन और पॉइंट टू, अब इसकी मदद से ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, कैसे, ज़रा आओ बना के दिखाता हूँ, ज़ीरो और सेवन, ठीक है, ज़ीरो और सेवन। अब ज़रा आओ देखो, इसको इस्तेमाल करो, माइनस सेवन ये रहा और ज़ीरो, एक्स यहाँ पर माइनस सेवन है और वाई यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो। देखो अगर मैं पूछूँ यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, वाई पे तो कुछ उठ ही नहीं रहा, तो यानी ज़ीरो है, यहाँ पे सब ज़ीरो होता है ना, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस सेवन, चलो माइनस भी मार्क कर देता हूँ ताकि समझ में आए, और वाई की वैल्यू ज़ीरो। अच्छा, अब इस पॉइंट की मदद से बनाओ, वाई की वैल्यू सेवन और एक्स की वैल्यू ज़ीरो, यानी यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स देखो यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन देखो याद रखना, शायद आप बोल रहे हो सर आप ऊपर जा तो रहे हो, तो ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ तो हाइट बढ़ रही है, लेंथ नहीं बढ़ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं ऊपर चला गया, तो क्या कोई लेंथ बढ़ी, नहीं, सिर्फ हाइट बढ़ रही है ना। तो इसी तरह से सिर्फ वाई एक्सिस बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस तो ज़ीरो ही है, देखो ना, तो यहाँ पर कट कर रहा है। अब इन दोनों को मीट करा दो विद द हेल्प ऑफ स्केल, और स्केल हमारा देखते हैं कहाँ रखा हमने, ये रहा, सामने ही रखा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों को हमने मीट करा दिया, थोड़ा सा पीछे ले जाना इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाना, ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया माइनस सेवन ज़ीरो, और ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो और सेवन। ये इस तरह से करना था सवाल, ये पूरा सवाल आपके सामने आ गया, ये पूरा सवाल है, समझ में आई। मैंने बहुत डिटेल देने की कोशिश की है ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, मतलब इसका दूसरा पार्ट लिखता हूँ और वो कराता हूँ, सेम इसी तरह होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इधर ही कर देते हैं और इसी ग्राफ में बना लेते हैं, ठीक है। हमें नया ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं उसे। अच्छा, तो हमारा क्या है, हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, देखो मैंने सवाल से पहले आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कोई बच्चा भूलेगा नहीं इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब सारी बातें आपको पता है, सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी, अब काम और क्लैरिटी से होगा। आपको पता है एफ एक्स इसके बराबर होता है, वाई के ही बराबर होता है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव फॉर एक्स इंटरसेप्शन, ठीक है, फॉर एक्स इंटरसेप्शन या फॉर एक्स इंटरसेक्शन, एक्सिस भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इंटरसेक्शन, चलो। तो एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा मैं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो वाई ज़ीरो रखूँगा, चलो समझ में आ गई ना बात, एक्स इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, तो वाई इक्वल टू माई एक्स
प्लस फाइव तो ज़ीरो हो गया। अच्छा तो x को उधर ले गए, फाइव आ गया, ये आपका x इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, इसी तरह से y पे भी इंटरसेक्शन हो रही है, y एक्सिस इंटरसेक्शन, तो x इक्वल टू ज़ीरो रखूँगा। सही है, इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू x प्लस फाइव। अच्छा तो ये इधर क्या ज़ीरो आ गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया x, तो y इक्वल टू फाइव, दोनों ही फाइव फाइव फाइव। अच्छा इधर क्या पॉइंट मिला आपको, आपने y तो फाइव निकाला था, पॉइंट वन लिख रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में। अच्छा x तो फाइव निकाला है, y ज़ीरो रखा था जब आया। ठीक है, यहाँ पॉइंट टू क्या मिला आपको, जब आपने ज़ीरो एक्स रखा तो आपको फाइव वाई आया। ठीक है, अब इसकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करने में कोई परेशानी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक्स की वैल्यू फाइव कहाँ होगी, पॉजिटिव में फाइव यहाँ पर होगी और वाई ज़ीरो यहाँ पर होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर होगा। अच्छा दूसरा पॉइंट बनाओ, वाई की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होगी, पॉजिटिव में पर, सॉरी एक्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ होगी, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू फाइव यहाँ पर होगी। ठीक है, ये लो दूसरा पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मीट करा दो, ये दोनों भाई हैं इन्हें आपस में मिला दो। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। आप चाहो तो अलग ग्राफ पे भी बना सकते हो, इस पे भी बना लोगे तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये क्या आ गया, एक्स ज़ीरो है वाई फाइव है, एक्स फाइव है वाई ज़ीरो है, ये आ गया आपका वाई इंटरसेक्शन और ये आ गया आपका एक्स इंटरसेक्शन, ये देखो। और पीछे भी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। ये एरो बना दो, इसका मतलब है कि ये आगे है, ये इस तरफ। ठीक है, समझ में आई बात, परेशानी मुश्किल टेंशन कुछ भी नहीं, ऐसी बात है। ठीक है, चलो आओ एक और क्वेश्चन कर डालते हैं इसी बात पर। ग्राफ अब हम अपना अलग दोबारा बना लेंगे, अब हमें उसको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। अच्छा सबसे पहले ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बना के रख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। इंटरसेक्शन समझ में आ गया, आप थ्योरम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। मैं जब ही कहता था, बच्चे कहते थे सर थ्योरम नहीं हो रहा, मैं उन्हें कहता था देखें थ्योरम करें, आपको आगे ज्योमेट्री मुश्किल करेगी। लेकिन थ्योरम नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल नहीं। थ्योरम के बगैर भी ये चैप्टर बहुत अच्छा किया जा सकता है। एक्स वाई माइनस एक्स एन माइनस वाई, जस्ट क्या करूँगा, मैं सवाल लिखूँगा, दोबारा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस पार्ट लिख देता हूँ। ये लो थ्री एक्स प्लस, चलें। अच्छा अब देखें मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको वही काम करूँगा जो पीछे कर आया हूँ। अच्छा ये f x किसके बराबर है, y के, तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। अच्छा फॉर x एक्सिस इंटरसेक्शन, x एक्सिस की अगर मैं इंटरसेक्शन निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, y इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, तो ज़ीरो थ्री एक्स प्लस टू, थोड़ा सा पॉइंट। अब देखो थ्री अपॉन टू कहाँ बन रहा है, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझने में, है ना, थ्री अपॉन टू, लेकिन आसान करना है तो ऐसे कर लो 1.5। देखा, अब आप बोलोगे सर ये डेसिमल में कहाँ बनाऊँ, असल में डेसिमल कुछ नहीं होता, डेसिमल अगर आप मतलब सॉल्व कर लोगे ना तो 1 और 2 के दरमियान की कोई वैल्यू है ये। ठीक है, 1 और 2 के दरमियान की वैल्यू 1.5 आ रही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा इसको कैसे बनाना है मैं भी दिखा दूंगा बना के, फॉर वाई एक्सिस इंटरसेक्शन, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख के सॉल्व करूंगा, वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, ये देखो ये तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा बनेगा। ठीक
ठीक है, ये आ गए आपके दोनों पॉइंट। अच्छा अब बस क्या करनी है, मार्किंग करनी है हमने। अब देखो 0.5 डिफरेंस सेम होना चाहिए, वन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 0.5, 1.5। अच्छा हम थोड़ा सा और भी बड़ा बना सकते हैं ग्राफ को, वो कैसे कि हम दो दो बॉक्स जो है वो 0.5 के बराबर कर लें, लेकिन ऐसे फिर हमारा दूसरा ग्राफ शायद ना बन पाए, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो डिफरेंस 1 का, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 0.5, और यहाँ सब ज़ीरो होगा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिंपल है, बात क्लैरिटी में है। चलो अब इस पॉइंट को बना लेते हैं। अच्छा पॉइंट वन क्या बना है आपके पास, पॉइंट वन आपके पास बना है 1, 1.5 ना लिखना, 1.5 तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया था ना, आप 3/2 ही लिखोगे, पॉइंट में डेसिमल करके नहीं लिखते, ठीक है, याद रखना इस बात को मेरी कि पॉइंट कभी भी डेसिमल करके नहीं लिखते, ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ये मैंने 1.5 इसीलिए करा था आपको पता चल जाए कि पॉइंट आखिर बन कहाँ रहा है, ये वैल्यू आ कहाँ रही है एक्स की, ठीक है, ताकि आसानी आ जाए। अच्छा ज़ीरो, ये पॉइंट वन था हमारा। अब हमारे पॉइंट टू को देख लेते हैं हम, कि एक्स हमें ज़ीरो मिला है, वाई हमें टू मिला है। चलो इनको ड्रॉ करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। अच्छा 1.5 सिंपल आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, और वाई की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू 1.5 है, ठीक है, बात क्लैरिटी में आ गई। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा हमसे ना एक गलती हो रही है, ये नेगेटिव में भी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो माइनस, बल्कि ये पॉइंट ही पूरा गलत बना दिया है मैंने, ये टू होगा, ये टू होगा और ये थ्री होगा, इसको सेट ही गलत करा दिया हमने। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू और थ्री, तो यहाँ हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, मार्किंग हो गई हमारी और लाइन खिंच गई हमारी। अच्छा अब इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन क्या है, पार्ट थ्री करके है कि ये 3x+2 है, ठीक है, ये आ गया आपका सवाल। अच्छा सबसे पहला बेहतर तरीका पता क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि ग्राफ कैसा बनाना है हमें, ठीक है, कि बड़े से बड़ा पॉइंट कितना आएगा ग्राफ में, ये बड़े से बड़ी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा देखो पहले हमें x इंटरसेक्शन निकालना है, फिर y इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये जो f का फंक्शन है x के साथ, ये y है, ठीक है, 3x+2 आ गया, ठीक है। अच्छा फॉर x एक्सिस इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऑब्वियस है कि वाई की वैल्यू को ज़ीरो रखना होगा, तो ये ज़ीरो हो गया, अब वो उधर जाके -2 हो जाएगा और 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स ही आ गया, x=-2/3। अब आपको मुश्किल आ रही होगी, सर ये आपने आखिर ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, अभी रुक जाओ आपको बात समझ में आ जाएगी। पॉइंट वन क्या आ रहा है आपके पास, -2/3 और 0, ठीक है, ये पॉइंट वन आ गया। अच्छा कुछ नहीं है, बस इसको डिवाइड करके चेक कर लो और अपनी आसानी के लिए नीचे ही लिख लो ताकि याद रहे, माइनस तो आएगा 2/3, ये आ रहा है आपके पास 0.66, यानी 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू होगी। तो मैं भी ड्रॉ करूँगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अच्छा ये तो एक्स इंटरसेक्शन है,
वाई इंटरसेक्शन के लिए एक्स ज़ीरो रखेंगे। एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, तो सिंपल यहाँ पे ज़ीरो आ गया एक्स की जगह पे, तो ये आ रहा है आपके पास टू। अब पॉइंट टू क्या निकला इसकी मदद से, ज़ीरो और टू, ठीक है ये पॉइंट टू हो गया आपका। अच्छा अब आओ ग्राफ की तरफ, क्योंकि ग्राफ बनाना भी तो है ना, आप देखोगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है जैसे मैं देखता हूँ ना मुझे समझ में आ जाती है मिड पॉइंट कहाँ पर। ठीक है क्लैरिटी। अच्छा अब ये एक्स एक्सिस है सबको पता है, ये वाई एक्सिस है सबको पता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये भी पता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ये भी पता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वैल्यू बहुत छोटी आई है, 0.5 करके बना लो, 0.5 का डिफरेंस रख के बना लो, तो 1.5 अब 1 को 0.5 से माइनस करोगे 0.5, 1.5 को 1 से माइनस करोगे 0.5, 2.5, 3.5, क्लैरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ग्राफ बहुत आपको बनाने हैं आगे जाकर, इसलिए ग्राफ पे अच्छी पकड़ रखें ताकि जब आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं ना तो टीचर बोले बच्चा ग्राफ सीख कर आया है, और वो भी बहुत अच्छा सीख कर आया है। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है, 0.6, आपको पता है 1.5 के बाद आएगी, यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है सॉरी 1.5 नहीं 0.5 के बाद आ रही होगी। अच्छा वाई की वैल्यू 0, तो इस लाइन पर आपको पता है वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू आ रही होती है बस। अच्छा उसके बाद आपके पास वाई की वैल्यू है एक्स की 0, तो ये आ गई 2 पर है आपके पास, ठीक है अब इन दोनों को मिला दीजिए, अब ऐसे मिलाइए, वैसे तो ये लाइन आगे भी जा रही होगी लेकिन हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स इंटरसेक्शन आ गया, ये आपका एक्स इंटरसेक्शन आ गया, जो कि अच्छा इसको कभी भी डेसिमल में करके नहीं लिखते ग्राफ में, ग्राफ में हमेशा फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। क्लैरिटी है, बात समझ में आई, चलो अच्छा अब दूसरा सवाल करते हैं, मतलब इसी का आखिरी पार्ट करते हैं, दूसरा सवाल तो इसके बाद शुरू होगा। आसान है वो भी, ऐसा ही है, इधर ही हो जाएगा, हमें नया पेज नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पेज भी बचाने ना, पेपर में तो एक ही सवाल आएगा तो आप एक ही ग्राफ पे बनाओगे, लेकिन यहाँ दो में बना सकते हैं कोई मसला नहीं। अच्छा सेम चीज़ है जो बराबर में हुई हुई है वाई, ठीक है भाई आ गया। अच्छा तो वाई इक्वल टू 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है फॉर एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 0। अच्छा देखें हमने, मैंने पता क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको नहीं लिखा, तो ये बड़ी गलती है, तो ये 2 है और ये 4 है, ठीक है तो वाई इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, 0 आ गया, माइनस 2 इधर आ गया, ठीक है माइनस 2 माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 पर आता है ये 2 पर आता है तो ये 2 आ गया, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 0, ये 2 और ये 0, ठीक है। अच्छा अब मज़ीद फर्दर आगे की तरफ चलते हैं, फॉर y एक्सिस इंटरसेक्शन, ये सिंपल कहो y इंटरसेक्शन,
तो कुछ नहीं करना, बस आपने x की वैल्यू का 0 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, y आ गया, x 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 4 हो गया, ये आपकी एक और पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 1 ये रहा और ये पॉइंट 2 ये रहा, के 0 और ये 4। ठीक है, अब इससे इसकी मदद से आप आसानी से ग्राफ इधर ड्रॉ कर सकते हो। x की वैल्यू 2 यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है, y की वैल्यू 4 यहाँ पर मिलेगी आपको। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैसी सा बन जाएगा, मैं काम करता हूँ, दूसरे पेज पे बना देता हूँ ग्राफ, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू देख लो यहाँ पे 2y और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यानी ये आ गया। ठीक है, मैंने इधर कर लिया तो कोई मसला ना हो। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू क्या आई, 0, y की वैल्यू 4, यानी ये यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, वहाँ पर वो हमारे पॉइंट पर आ जाता ना लाइन, जो हमारे पहले से बनाए हुए पॉइंट थे ना उस पर लाइन बन जाती, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं बनाया। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 0। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। चलो अब अपना इसको देख लो, फिर अगला करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने दोबारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। देखो, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कट कर रही होगी, एक लाइन दूसरी लाइन को। जैसे देखो, यहाँ पर ये वाली लाइन थी जो आपने बनाई, ये वाली लाइन थी जो y एक्सिस की थी, तो यहाँ पर कट हुआ ना, तो इसी तरह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ भी वही पता करना है, लेकिन एक कंडीशन है, वो देखो, फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। देखो, फंक्शंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जब आप समझ के करते हो ना, तो आप ये भी पूछोगे, सर ये नुक्ता क्यों लगाया, मतलब ये फुल स्टॉप क्यों लगाया। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो मैं कोई भी चीज़ लिख दूँ, बात ही आप पूछोगे ही नहीं मुझसे, सर क्या है ये। तो इसीलिए समझ के करो। फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शंस बोलें या इक्वेशन बोलें एक ही बात है। ठीक है, लेकिन फंक्शंस इसलिए बोलते हैं ताकि आप कुछ पुट करोगे उसमें और वो कुछ देगा आपको, यानी 0 पुट करोगे, x को 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2, तो इसलिए फंक्शंस कह रहे होते हैं। याद रखना, इक्वेशन और फंक्शंस में क्या फ़र्क है। फंक्शन जब बोलेंगे जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, 1, 2, 3, तो इसे फंक्शंस बोलना है। अच्छा, अगर आपने C++ किए तो उसमें भी आपको पता होगा फंक्शंस का कुछ एक ख़ास काम होता है, वेयर ग्राफिकली, यानी ग्राफ पे काम करना है आपने, वेयर y इज फंक्शन ऑफ x, यानी ये कह रहे हैं कि x आप कुछ पुट करोगे ना तो y मिलेगा, यानी y और x एक दूसरे का कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन इस इक्वेशन से पता चल रहा है आपको। ठीक है, अब मसला क्या है, देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, बात समझ आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दो इक्वेशन है। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन की मदद से जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट होगी या कर्व होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। इस इक्वेशन की मदद से जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट होगी या कर्व, वो भी स्ट्रेट होगी। तो ये दोनों जो है वो आपस में मिलेंगे, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही होंगी। आपने वही पॉइंट बताना है। दो तरीके हैं इसके, एक तो बिल्कुल शॉर्टकट, दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, यानी x की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस इक्वेशन को या ऊपर वाली इक्वेशन को x के लिए सेट कराओ, y की वैल्यू आ जाएगी, y के लिए सेट कराओ, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेकिन आपने ऐसे काम नहीं करना, आपने फंक्शन की तरह काम करना है, यानी आपने x की वैल्यू पुट करनी है y की। अब सुनो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा, अब वो मुझे वैसे तो करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता दूँ। जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे x की, और जब आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करोगे, आपको एक ऐसा पॉइंट देखने के लिए मिलेगा जो इसमें भी सेम आ रहा होगा, इसमें भी। करके दिखाता हूँ, शायद बात समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमें तो इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि हमारे दिमाग में वो काम बैठा हुआ है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो काम अभी तक आपने होते हुए देखा ही नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले करके दिखा दिया जाए। चलो, ग्राफ इस तरह आ जाएगा आपका, इसका तो कोई मसला ही वाली बात नहीं। मैंने कहा ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, वो दोनों तरीके मैं करके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। एक तरीका ये है कि दोनों इक्वेशनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, वो मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में, कर वो मैंने करके रखा हुआ है।
वो आसान है, लेकिन आपने उसे नहीं फॉलो करना है। आपने फॉलो करना है कि आप पहले x की वैल्यू 0 रखोगे, नहीं 0 नहीं रखो क्योंकि हो सकता है नेगेटिव में भी आए ना, तो पहले आप x की वैल्यू -3 रखोगे, -2 रखोगे, -1 रखोगे, 0, 1, 2, 3 रखोगे और इसमें सॉल्व करते रहोगे। आओ मैं करके दिखाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। पीछे कर चुके हो आप ये काम 8.3 के शुरू के काम में कर चुके हो। अच्छा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को y के लिए सेट करा लो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इधर रह गया, 2x उधर चला गया, तो 5 - 2x, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई आपकी। 3 कह लो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अच्छा है ना, नंबरिंग करी हुई होगी। अब इसको भी y के लिए, हमेशा y के लिए सेट कराया करो, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अच्छा, कैसे पुट करेंगे, याद है ना, ये लो आ गई बात, याद करा था ना पीछे काम ये वाला। चलो, अब आप बोलोगे सर उधर तो आपने पूरा पूरा सॉल्व किया था। मैंने सॉल्व भी किया था और मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखाया था, यहाँ शॉर्टकट से करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। ये हो गया 0, चलो 0, 1, 2, 3, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, 0, फिर -1, 1, फिर -2, 2 और फिर -3, ठीक है। और कहाँ पुट करोगे x की वैल्यू, y इक्वल टू 5 - 2x में। अब देखना आपका आंसर क्या निकलता है। अब इसके लिए चाहिए आपको कासियो का कैलकुलेटर। अब देखो इसको इक्वेशन को कैसे बनाना है, 5 - 2 x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इसलिए ये जगह बना ली -3। देखा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ रहा। उधर तो इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि आपको सॉल्व करके सिखाना था, इधर थोड़ी ना सिखाना दोबारा, ये तो आपको आता है 9, ठीक है। देखा, अब 1, देखा 7, देखा, अब जल्दी बताएं 0, तो 5 भी आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, 2, 1 आ जाएगा, 3 नेगेटिव में आ जाएगा, कुछ -1 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यही काम इक्वेशन नंबर 3, 4 के लिए भी करो। ये तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए किया ना, यहाँ लिख लो फॉर इक्वेशन 3। ऐसे काम कराऊंगा कि बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका, कोई मुश्किल नहीं होगी। पेपर में कर कराओगे, टीचर बोलेगा भाई अगर इनको मैंने पूरे नंबर नहीं दिए, एक जो चेक करने वाला होगा एग्जामिनर या जो भी होता है चेक करता है, अगर इन बच्चों को पूरा नंबर नहीं दिया तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आप काम तो ऐसा करो कि सामने वाला आपको पूरे नंबर दे, वो ये चाहे मैं तो ज़्यादा दे दूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते ना। चलो, तो समझाने का मतलब ये है कि आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर या कितने पैसे मिलेंगे। मैंने एक एग्जांपल दी थी, शायद आपको याद हो, भाई देखो मेहनत तो मजदूर भी करता है और मेहनत एक मैनेजर भी करता है, मगर मजदूर की तनख्वाह और मैनेजर की तनख्वाह में कितना फ़र्क होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी, ठीक है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जो लोग मजदूर होते हैं मैं उनको डिग्रेड कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने दिमाग से स्मार्ट होकर काम करना है ताकि आपकी वैल्यू बढ़ जाए। लोग इंतज़ार करें आपकी शॉप खुलने का कि भाई वो आएंगे तो मैं उनसे काम कराऊंगा, क्योंकि उस बंदे का काम बहुत अच्छा है। -3 -2 -1 0 1 2 3, मेहनत में अजमत है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा, तो देखो ये इक्वेशन बना ली मैंने, -4 और -x, अब x की वैल्यू ऊपर से आती जाएगी, -3 आएगी, 7 आ गया, -2 आएगी। देखो सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, कैलकुलेटर खुद ही करके दे रहा है, कोई टाइम भी नहीं लग रहा आपका कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। 0 आ गया तो 4 ही आ जाएगा, 1 आ गया तो 3 आ जाएगा, 2 आ गया तो 2 ही आ जाएगा, 3 आ गया तो 1 आ जाएगा। अब देखो दोनों में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो सेम है, दोनों में वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द पॉइंट ऑफ इंटर, आप ढूंढो, मैं पूछ चुका हूँ आपसे, आप ढूंढो, मैं तो बस वर्डिंग लिख रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन। चलो बाकी काम हम करेंगे नमाज के और आसान के बाद। अच्छा, तो हमारा क्या था कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन 1। अब लाइन 1 आप किसकी मदद से बनाओगे, इस इक्वेशन की मदद से, बिटवीन लाइन 1 एंड
लाइन टू इज, ये है वो पॉइंट, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। अब आप देखोगे वन अपॉन थ्री पर आके दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी, ग्राफ बनाओ पता चल जाएगा। चलो आओ, अच्छा देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है 11 और सबसे छोटी वैल्यू माइनस थ्री, तो आपने ग्राफ ऐसे बनाना है कि वाई एक्सिस पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 11 से ज़्यादा हो, 12 तक तो हो, तो ये तो हमारा काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा, अच्छा थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो क्या करें, 2 का टेबल चला देते हैं, 2 अंदर 2 2 2 का 4 6 8, हाँ सही है 2 का टेबल चला देते हैं 2, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट आने, सारे नंबर आने चाहिए ग्राफ पे, जो इधर आ रहे हैं, जो इधर आ रहे हैं ना वो सारे नंबर ग्राफ पे आने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर नंबर बड़ा आ रहा और यहाँ ग्राफ छोटा बना लिया, तो फिर तो वो आप दिखाई नहीं पाओगे कि कहाँ पर आपका पॉइंट मिला है। 4 6 8, और ये भी ध्यान रखना 70% ग्राफ यू दो। 10, अब आप बोलोगे सर 11 नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, 10 और 12 के दरमियान ही आ जाएगा। 14, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस तो थ्री माइनस थ्री तक जा रहा है ना, तो 0.5 1 1.5 2 2.5 3। मैं एक बात बताऊँ, अब मैं जब स्कूल में था ना तो मेरे टीचर्स ख़ास तौर पे फीमेल टीचर जो है ना, ये चीज़ बड़ा बोलती थी कि पेंसिल ही शॉप नहीं करते। मैं इतना कोई कंजूस था स्टूडेंट, तो बिल्कुल पेंसिल शॉप नहीं करता था, पूरा पूरा महीना एक ही पेंसिल से निकाल लेता था बगैर शॉप करे। मुझे अच्छी तरीके से ये बात याद है, क्योंकि इस पर मुझे बोला बहुत बोला जाता था, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत वो हो रही होती थी, मोटी और बहुत धुंधली, क्योंकि पेंसिल शॉप नहीं करोगे आपको पता है ये धुंधले बंद आ जाता है। शौक था शॉप ना करने का पेंसिल, लेकिन अब शॉप करते हैं, तो जब भी शॉप करते हैं तो पुराने टाइम याद आ जाता है मेरे को कि हम कैसे पेंसिल शॉप करे बगैर निकाला करते थे टाइम। पेंसिल होती थी, ऐसी बात नहीं है पेंसिल नहीं होती थी, बस शॉप करने का दिल नहीं करता था। वो एक होता है ना बड़ी पेंसिल ली है तो अब ये नई हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, तो बस इस वजह से। चलो चलो अब इसको बना देते हैं जल्दी से। अब देखो पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बल्कि पूरा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा ना, वरना तो मुश्किल हो जाएगी ना। पॉइंट्स बनाते जाओ जल्दी जल्दी, माइनस थ्री पहले ये वाली लाइन बनाओ फिर ये वाली लाइन, और ख़ुद ही देखना मीट हो जाएगी आपस में। माइनस थ्री 11, अच्छा माइनस थ्री और माइनस थ्री नेगेटिव में फिर 11 यहाँ पर, ये देखो माइनस थ्री और 11, माइनस थ्री और 11, तो ये यहाँ पर आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर आएगा, इधर से बिठाना होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस टू और 9, माइनस टू और 9 10 और 8 के दरमियान आएगा। माइनस वन और सेवन 6 और 8 के दरमियान ही आएगा, ठीक है। अच्छा 0 और 5, तो x की वैल्यू 0 और यहाँ पर 5, ये इधर आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखा ना। 1 और 3, 1 आपने यहाँ रखा, 3 इसके दरमियान आ रहा होगा, अच्छा 2 और 1, 2 और 1 यहाँ आ रहा होगा आपका, 1 और 3 और -1 यहाँ आ रहा होगा आपका, ठीक है। देखो x की वैल्यू 3 और -1, अच्छा चलो अब यहाँ रुकना नहीं, आगे जाना है, दूसरी लाइन बनाओ। -3 और 7 और यहाँ पर 7 है, यहाँ आ रहा होगा, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू नहीं गलत बनाए, ये हमने क्या पता क्या हरकत करी है, x की वैल्यू तो सही बनाई है, y की वैल्यू गलत बना दी है, नेगेटिव में बना दी, तो -3, ठीक है -3, ये रहा ना -3, एक मिनट ज़रा मैं इसको वेरीफाई कर लूँ, फिर हमसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसा ही होगा सर। -3 और 7, -3 ये रहा और 7 यहाँ पर लाया करेगा, अच्छा -2 और 6 यहाँ पर लाया करेगा, -1 और ये देखें -1 और 5 यहाँ पे लाया करेगा, अच्छा उसके बाद 0 और 4 यहाँ पे लाया करेगा,
ठीक है, वन और थ्री ये यही पॉइंट आ जाएगा, वन और थ्री का देखो यही यही मीट होना था ना, टू और टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, उसके अलावा और कोई पॉइंट मीट नहीं करेगा, बस एक ही पॉइंट है थ्री और वन, थ्री और वन जस्ट और पॉजिटिव में। चलो अब लाइन बनाते हैं। अच्छा पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारी लाइनें सही आनी चाहिए। ये आ गई, ये मीट कर गई, ये मीट कर गई, मीट कर गई, ये मीट कर गई, ये मीट कर गई, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हो रहा है वो पॉइंट देख लो। ठीक है अब दूसरी लाइन बनाओ, ये देखो कितनी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ग्राफ देख रहे हो क्यों बनाया जाता है, ये आपका था काम, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वन नहीं थ्री और एक मिनट रुको, नहीं नहीं हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, एक्स पर वन और वाई पर थ्री, हाँ सही है ये रहा वन और थ्री, एक गलती हो रही है हम गलत बना रहे हैं, पॉइंट सही लिखा है हमने लेकिन बनाया गलत, बनाया सही है लिख गलत रहे हैं, वन और थ्री सही है, ये लो अभी भी थोड़ा मुश्किल समझ नहीं आ रही है ना, ग्राफ ऐसे ही बनता है भाई, वन जब भी तो कहते हैं पेंसिल से बना, वन यानी एक्स पर वन और वाई पर थ्री, आओ इसको मैं बुक से प्रूफ करा के दिखाता हूँ, बुक से दिखाता हूँ बुक में क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर टू ये रहा देखो, ये रहा वन और थ्री, और शायद ये वाला ग्राफ इन्होंने बनाया इसका, हाँ ये वाला ग्राफ बनाया, देखो ऐसे ही बना है हमारा भी, पहले इनका देख लो, ये इनका बना है और ये हमारा बना है, ऐसा ही बना है ना हमारा भी, करीब करीब सेम ही है। ठीक है इन्होंने इनका ग्राफ पता है ऐसा बड़ा क्यों बना है, अगर मैं वैल्यूज़ कम लेता ना, यानी ऐसे वैल्यू लेता कि वन टू थ्री, तो फिर हमारा भी बिल्कुल इन जैसा आ रहा होता, लेकिन हमारा भी सही है कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है ऐसा बनाओगे पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि बात समझ में आ रही है, चीज़ समझ में आ रही है, बस इनका ग्राफ बड़ा बनने की वजह यह है, थोड़ा सा शेप में फ़र्क इसीलिए क्योंकि इन्होंने इधर नंबरिंग अलग करी है, हमने अलग करी है, हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट मीट करेगा, तो इसलिए हम बहुत सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं ताकि पॉइंट आराम से मीट कर जाए। अच्छा दूसरा भी पार्ट इधर ही कर डालते हैं, जगह बहुत है, काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा, देख लेते हैं अगर पता चला काम ही ना हो फ़ायदा ही ना होगा फिर, तो आई थिंक हो जाएगा फ़ायदा, हो जाएगा मसला नहीं। अच्छा हाँ मैंने आपको एक और तरीका सिखाना था कि एक और तरीका क्या है, तो वो एक और तरीका ये देख लो, मैंने एक सॉल्व करके रखा था, आपको दो इक्वेशन दी हुई है ना, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, इन दोनों को सॉल्व करा दो आपस में। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाली नहीं बल्कि ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन टू को एक्स के लिए सेट कराया, इक्वेशन वन में पुट कर दिया, देखो थ्री सिक्स माइनस फोर वाई, और फिर सॉल्व कर दिया तो वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है फिर वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब ग्राफ की मदद से भी करोगे, अभी अभी यही वाला सवाल करूँगा मैं, ठीक है ये पार्ट टू है असल में, तो ग्राफ की मदद से भी करोगे तो भी यही वैल्यूज़ निकलेगी, आओ करके दिखाता हूँ। एक्स की वैल्यू याद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखना क्या है आपका दूसरे पार्ट के लिए, टू और वन, पहले इसलिए दिखा दिया ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए कि हाँ सर ठीक तो कर रहे हैं ना, भरोसा भी तो कराना पड़ता है भाई अपने ऊपर, वरना ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो भाई सर तो गलत ही कर रहे हैं। चलो इधर कर लेते हैं फिर ग्राफ आगे बना लेंगे, या इधर अगर बनेगा तो उधर ही बना लूँगा। ठीक है अच्छा सवाल क्या है, सवाल क्या था, सवाल ये है कि थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, एंड यहाँ लिख देता हूँ, एंड एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्स। ठीक है अच्छा अब इसका मुझे लग रहा है ग्राफ मुझे नेक्स्ट पेज पे बनाना पड़ेगा, या फिर आगे कहीं ग्राफ पेज पढ़ाओ, हाँ यहाँ बना लूँगा इसका ग्राफ। ठीक है यहाँ पेज पढ़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि मुझे भाई पेज भी तो सेव करने हैं ना, अब ये ग्राफ बुक में बस दो ही पेज रहेगा और सवाल इतने सारे हैं, वरना उर्दू बाजार जाना पड़ जाएगा ग्राफ बुक लेने के लिए, नाजमाबाद वाला मेरा घर करीब है उधर ही। अच्छा चलो इसको करते हैं सॉल्व, अब करना क्या है इसमें, देखो इसको सबसे पहले ऐसे ही सॉल्व करना जैसे इसको सॉल्व किया था, दोनों इक्वेशन को एक्चुअली सेट करा देना है, ये वन इक्वेशन है ये टू इक्वेशन है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये थ्री एक्स उधर चला गया
पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, 3x-2y=4। ठीक है, वाई के लिए सेट कराना हो ना, वाई को इधर ले जाओ, बल्कि पूरा वाई को उठा के ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। 4 को इधर ले आओ, अब 2 को इधर ले जाओ, तो y=3x-4/2। अब ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। ये इक्वेशन आपकी हो गई 3, ये 1 और 2 हो गई। ठीक है, रोमन में नहीं लिखा, इसे रोमन में कर देना। अच्छा, अब इक्वेशन आ गई हमारी 4, ये 4 इसके लिए था, 4 इक्वेशन 1, वर्डिंग भी लिख लो ना, अच्छा समझ में आ जाएगा। 4 इक्वेशन 1, 4 इक्वेशन, देखो वर्डिंग फिक्स नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, जब समझ के करता है ना बच्चा तो अपने पास से वर्डिंग बना रहा होता है, और यही तरीका होता है सही पढ़ने का। कोई फिक्स वर्डिंग नहीं है, आप समझ रहे हो सर फिक्स वर्डिंग है तो बता दें, अगर मैं कोई फिक्स वर्डिंग बता भी दूंगा तो पेपर में अगर वो नहीं चली तो सवाल अलग आ गया। ये 4, ठीक है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन नहीं, ये 4 हो गई। ठीक है, अच्छा अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन, फॉर इक्वेशन 3 के लिए काम करते हैं। अच्छा, काम कैसे करना है मैं ज़रा बताता हूँ तरीका। अब हमें पता चल गया कि -2 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हमें ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और ये छोटा बन गया हमसे, इसको बड़ा कर देते हैं। अब हमें ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपका इसको हटा देते हैं, जस्ट एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर वाई आएगा, जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, y=3x-4/2। ठीक है, यहाँ पर आपका वाई आ गया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करो, वैसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ तो रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी रख रहा हूँ 0, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता कि कौन सी पॉइंट पे मिल रहा है, क्या पता वो 4 पे जाके मिल रहा हो, दोनों पॉइंट 4 पे मीट कर रहे हो, जब x की वैल्यू 4 रखो, जब दोनों पॉइंट सेम आए तो हमें पता नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। 0, 1, 2, 3, अभी तो मैंने बता दिया है आपको किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पर पेपर में पता नहीं होगा आपको किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा उसमें, तो इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि बात समझ में। अब इस इक्वेशन को देखो कैसे लिखना है, ये 3 आ गया, ये x की जगह आ गई, ये -4 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इधर -3 रखना है, ये आपका आ गया -13 अपॉन 2। अच्छा, अब -13 अपॉन 2 क्या है, ये ऐसे पता चल जाएगा, 6.5। ठीक है, इसको उस वक्त कर लेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आपने जस्ट 2 रखना है, तो ये आपका -5 निकल आया। अब आपने जस्ट 1 रखना है, देखो कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू चेंज करो, तो यहाँ आपने 7/2 ही पूरा रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है होप। अच्छा, यहाँ आपने अब 0 रखना है, तो ये -2 ही आ जाएगा। अच्छा, अब आपने 1 भी रखना होगा इसी तरह, यह आपका -1/2 आ गया, यह आपको 2 भी रखना होगा, ये आपका 1 आ गया, ये आपने 3 भी रखना होगा, ये आपका 5/2 आ गया। ठीक है, हो गया, क्लैरिटी है। चलो अब आ जाओ इक्वेशन लिए आ जाते हैं। फॉर इक्वेशन 4, ये 3 के लिए काम किया, ये 4 के लिए काम किया। अच्छा, तो इसको ऐसे करते हैं, ये जगह इसलिए ज़्यादा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लिखना है ना, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये x और ये y=6-x/4। ठीक है, यहाँ ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, बस सिंपल इसे बना लेना, इसमें 6 माइनस इस तरह कर लो, और अच्छा ब्रैकेट डालने से पता क्या होगा कि अगर माइनस भी आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे देखो यहाँ माइनस में आ रहा है, यानी माइनस x की वैल्यू माइनस में,
तो 744 थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको जब मैं बनाऊंगा, बल्कि कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, क्या मुश्किल होगा। ठीक तो 5.4 2 देखो 1 देख रहे हो, 2 upon 1 2 upon 1, लेकिन पूरी लाइन भी तो बनानी है ना ग्राफ में, तो इसीलिए ऐसा है। अच्छा ये आ गया आपका पूरा सिस्टम, अब आ जाएगा आपका ग्राफ। अब देखो आपको कोई लंबा चौड़ा ग्राफ नहीं बनाना, इस वैल्यू को चेक कर लो, ये कितनी है 9/4, आपको बस 7 तक बनाना है। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, ये आ गया, यहाँ बनाते हैं ग्राफ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ग्राफ पूरा विजिबल हो जाए। अच्छा आप लोग देखोगे ना तो आपको मिड पॉइंट समझ में आ जाएगा, कैमरा इतना कैपेबल नहीं होता जितनी आपकी आँखें होती हैं, कैमरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं कर सकता जो आपकी आंखें कर सकती हैं। आपकी आंखें लगातार कितने घंटों तक चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा तो ये एक्स है, ये हमेशा लिख लिया करो, ये वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ये ज़ीरो है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ठीक है। आपकी x वाली वैल्यूज़ तो सारी यहाँ आ जाएंगी, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, क्लैरिटी है। अच्छा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आओ जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। अच्छा इसको ध्यान में रखना, उधर मैं बनाता रहूँगा। अच्छा -3 तो समझ में आ रहा है, अब समझ नहीं आ रही होगी कि ये वैल्यू कौन सी है, तो कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर यहाँ मदद करता रहेगा आपकी। ये यहाँ कैलकुलेटर आ गया, बल्कि कैलकुलेटर नज़र नहीं आएगा, -13/2 तो ये आ रहा है आपका 6.5, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपकी क्या है, -3, और y की वैल्यू आपकी क्या है, 6.5। बस इतना मुश्किल है कि पेज बार बार बदलना होगा, -3 और -6.5 यहाँ पर आएगा, ये 6.5 6 और 7 के दरमियान वाकई होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद तो आसान है, -2 और -5 यहाँ बना लेते हैं, -2 -5 यहाँ बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, 0 और -2 नहीं, 1, ये भी माइनस में ही आ रहा होगा, एक मिनट रुकना ज़रा, 3 -4 और 2 और मैंने रखा था -1, हाँ ये माइनस में ही आ रहा है, ये 7/2 भी माइनस में ये ऐसे है, ठीक है, वो जगह बहुत कम है तो शायद नज़र ना आ रहा हो। अच्छा 7/2 3.5, तो 3.5 वाई पर 3.5 बनेगा, 3.5 यहाँ आ रहा होगा और 1 ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देखो 3.5 ये आ रहा और ये 1 आ गया, सही समझ में आ गई ना बात। अच्छा देखो 0 और x की वैल्यू 0, तो ये 2 पे आ रहा है और ये आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन आ रही है, 1 और माइनस 1/2, तो 1/2 तो सबको पता है 0.5 होता है, 1 और ये इधर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और y की वैल्यू -1/2 यानी 0.5। अच्छा 2 और 1 ये 2 और ये 1, ठीक है। 3 और 5/2 चेक कर लो क्या होता है, 5/2 2.5 3 और 2.5 ये लो यहाँ आ गया, ये एक लाइन तो आपकी आ गई, आओ दूसरी लाइन पे चलते हैं, -3 और 4/9/4 तो 2.25, तो -3 ये रहा, -3 ये रहा,
और जस्ट इधर आएगा, जस्ट इधर आएगा, जस्ट इधर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ना, इनके दरमियान में जो मिड पॉइंट होगा ना, वन और टू के दरमियान, वो होगा ज़ीरो, वो होगा इन दोनों के दरमियान 0.5 पर आ रहा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। अगर मैं इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट निकालूँ ना, मिड पॉइंट तो 2-1, हाँ 0.5 आ रहा होगा, तो हमारा आ रहा है 2.25, यानी वो 2 से जस्ट ऊपर है, नीचे नहीं है, ये मैंने नीचे बना दिया, वो ऊपर है, तो ये यहाँ से ही आएगा। समझे मैंने यहाँ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि 2.5 2 के ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, -2 दोनों ही नेगेटिव आ गए। अच्छा, ये -2 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, करीब मिल गया। 1-1 देखो, -1 और 7/4, 7/4 या 1/7/5, तो -1 ये आ गया और उसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पर, आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 से काफ़ी ऊपर होगा, 2 से थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन 1 से काफ़ी ऊपर होगा। 0 और 3/2, तो ये आ रहा है आपका 1.5, तो 0 और 3/2, ठीक है, यहाँ आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो थोड़ा सा नीचे स्ट्रेट लाइन आ रही है। अच्छा ये है ना, अच्छा 1 और 3/5/2, 5/4 है, 2 नहीं है, 1, तो ये इधर आ रहा होगा, इधर जस्ट थोड़ा सा 1 से ऊपर, जस्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। अच्छा 2 और 1, ये तो सेम इधर ही आ रहा होगा, है ना, ये 2 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, ठीक है। 3 और 3/4, इधर आ रहा होगा, जस्ट इधर, ठीक है। तो 3/4 आपको देख लो, 0.75। अच्छा देख लो, अब इन सबको मिलाने का वक्त आ गया, बिछड़ोवों को मिलाने का वक्त आ गया। अच्छा इधर से आते हैं ताकि हमारा काम सही आ जाए। बस आप स्केल अपना सही रखोगे ना, सही अलाइन करोगे, तो आपकी सारी वैल्यूज़ खुद ही मिलेंगी आकर। चलो थोड़ा जान ही मिल रही हो, वहाँ ये थोड़ा सा डार्क कर देना तो भी मिल जाएंगी, ये भी एक तरीका है ग्राफ सही करने का, ठीक है। चलो अच्छा, ये जब होता है जब आप छोटी छोटी वैल्यूज रखते हो, देखो यहाँ भी थोड़ा मसला आ रहा है ऐसा, लेकिन अभी ये मिलेंगी सारी। ये लो, अच्छा जहाँ नहीं मिल रही वो यहाँ डार्क कर दो, तो ये मिल जाएंगे आपस में। अब उसकी वजह ये है कि हमने ग्राफ इतना छोटा नहीं बनाया करके कि ये सब ऐसे हो जाता। ये लो सही है, ऐसा ही बनेगा, दिखाता हूँ, देखो ये रहा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2-1, और हमने सॉल्व करके क्या निकाला था, 2-1। लेकिन ये टेक्निक नहीं लगा सकते, जो कॉपी वाली है ना, जो मैंने अभी दिखाई है कॉपी में, वो नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये, उससे ग्राफ नहीं बनेगा, उससे सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ जाएगा, आपको ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो आपने ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, ठीक है, और फिर ऐसे ग्राफ डालना होगा, ठीक है। चलो अब बाकी काम करते हैं और आगे समझते हैं। तो देखो इसमें मेहनत तो लगती है आपके सामने, लेकिन मैं करा रहा हूँ और कराता रहूँगा ताकि आपको अच्छी बात समझ में आए। तो चलो बाकी काम करते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। अच्छा सेम तरीके से होना है, सेम चीज़ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया, एज इट इज़ करोगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो स्टार्ट लेते हैं और समझाता हूँ कैसे काम करना है। अच्छा देखो, ये आपको पता है, ये fx कोई घबराने वाली बात नहीं है, y है, ठीक है, ये gx कोई घबराने वाली बात नहीं है, y है, ठीक है। अब आपके लिए क्लैरिटी आ गई है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, मुझे पता है जो परेशानी होनी थी इसी वजह से होनी थी, ये मैंने मसला हल कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों? क्योंकि x पे कोई पावर नहीं है, लेकिन एक कर्व बनेगा, क्यों? क्योंकि x पे पावर है, समझ गए ना। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब देखो, मुझे वही तीन तीन वैल्यूज़ रख के सॉल्व करना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पता है एक वैल्यू रख के सॉल्व करूँगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, मुझे तीन वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा, यानी तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव बीच में ज़ीरो। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन बना लेते हैं इसे। तो एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया मैंने, एक्स प्लस टू हो गया, ठीक है। जी एक्स की जगह वाई लिख दिया तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, यूज़, अच्छा ये डायरेक्ट सेट है वाई के लिए तो सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यूज़ इक्वेशन वन, चलो वन यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन। अच्छा वन यूज़ करके क्या करेंगे, वही जो ब्रैकेटिंग करते हैं हम वही करेंगे, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ भी ये अपना एक्स आ गया, ये अपना वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू आ गया, ये माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री, चलें वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं, वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। और देखो सवाल कोई बहुत लंबा भी नहीं है, आप इजीली कर भी पाओगे। देखो इसको ब्रैकेट कर दो और प्लस टू कर दो। अच्छा माइनस थ्री तो यहाँ पे माइनस वन आ गया, माइनस टू तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया, माइनस वन तो यहाँ पर वन आ गया, माइनस ओनली ज़ीरो तो टू ही आएगा ओबियस है। अच्छा वन तो ये थ्री आ गया, टू तो ये फोर आ गया, थ्री तो ये फाइव आ गया। चलें बात ख़त्म, कोई मसले की परेशानी वाली बात नहीं। देखें यूज़ इक्वेशन, बेशक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इक्वेशन टू है, तो क्या बनेगा आपके पास, इसको भी तरतीब दे लेते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते रहेंगे तो देखेंगे आपका काम भी साफ होता जाएगा। माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू या थ्री आ जाएगा, ये एक्स आ गया, ये एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री। अच्छा अब हम बाकी सॉल्व करके निकाल लेंगे नंबरों को। अच्छा इसके लिए कुछ नहीं करना आपने, ऐसे बना लो, दे लो इक्वेशन बच गई, जो खाली जगह है वहाँ पर एक्स आएगा। अच्छा इस पे स्क्वायर ले लो, अब लो बस, अब आप माइनस थ्री रखो, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी क्या आ रहा है क्या नहीं, कैलकुलेटर से करके देखो तो भी सही आएगा, माइनस ट्वेंटी सेवन। अच्छा माइनस टू माइनस टू एटीन। अच्छा ये क्या वन आ रहा है, वन एंड देन वन तो एलेवन। अच्छा ज़ीरो और तो सिक्स आ जाएगा तो पता चल रहा है। अच्छा प्रूफ भी हो जाएगा कि सिक्स आ रहा है नहीं आ रहा, देखो सिक्स वन वन थ्री आएगा, क्यों थ्री आ रहा है, क्योंकि वन का स्क्वायर हो गया वन, और या थ्री बच जाएगा सिक्स माइनस थ्री तो थ्री होगा, माइनस थ्री प्लस सिक्स तो थ्री हो जाएगा, टू टू तो टू ही आ रहा है, थ्री और थ्री तो थ्री आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ट्वेल्व नाइन तो ट्वेल्व माइनस नाइन सही है, ठीक है सॉरी ट्वेल्व है ना, थ्री और सिक्स सही थ्री। चलो अब आप ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं तभी भी बना सकते हैं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा बड़ा सिस्टम। अच्छा अब हमारा आ गया ये, ये आ गया हमारा, ठीक है ये आ गया हमारा, ये हमारा ये आ गया, ठीक है चलें। अच्छा अब देखें x की जो वैल्यूज़ है वो तो हमने वही रखी है तो उसके लिए तो मसला नहीं है। 0.51 ये x पॉजिटिव ये x नेगेटिव, 0.51 1.5 2 2.5 3 3.5, ठीक है। अच्छा
वाई और वाई नेगेटिव। अच्छा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। तो स्टूडेंट अब वाई एक्सिस पुट करते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड देन आखिर में 27। चलें हो गया हमारा काम। अच्छा अब हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना शुरू करते हैं, -3, 27, -3 ये रहा, 27 ये रहा। अच्छा -2, -2, 18, -2, 18। पहले ये वाली लाइन बना लें या ये एक ही बात है, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 इज 1 और 3। चलें अच्छा -2, 18, -2, 18। अच्छा -1 और 12 यानी 11, -1 और 11 तो जस्ट यहाँ पर आएगा दोनों के दरमियान। अच्छा 0 पे 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 पर 3, 1 पर 3, 1 पर 3, ठीक है। अच्छा 1 पर हमारा 3 मार्क हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, सही है 2 पर 2, 2 पर 2 यहाँ आ जाएगा। अच्छा 3 पर 3, 3 पर 3 यहाँ। अच्छा देखो अब ये हमारे पास जगह कम है लेकिन ये लाइन आगे भी जाएगी, ठीक है। अच्छा अब -3 पर 1, तो -3 और यहाँ आएगा -3, -1 इधर आएगा, ठीक है। अच्छा -2 पर 0 लगा लिया, ठीक है। देखो यहाँ से देखता जा रहा हूँ, -1 पर 1 तो वो यहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अच्छा 3 और 0 के दरमियान आएगा, ठीक। 1 पर 3 यानी पॉजिटिव में जाना है अपने, 1 पर 3 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी मार्क है। 1 पर 3 ये रहा, सही है। 2 पर 0, एक मिनट, -1 पर 1, 0 पर 2, हाँ 0 पर 2 यहाँ आ जाएगा, बीच में भी एक पॉइंट आएगा, हमने नीचे देख लिया था। 1 पर 3 ये तो सही है। 2 पर 4, 2 पर 4 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 3 पर 5, 3 पर 5 थोड़ा सा इधर आ जाएगा। चलें अब लाइनें मिलाते हैं आपस में, ये तो कर्व है तो इसको तो स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये वाला था ना हमारा 0 पर 6, हाँ सही है ये वाला था। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर, आ गए थे फिर हम आ गए थे 2 पर 2 यहाँ पर, आ गए थे फिर हम यहाँ पर आ गए थे। अब इसके बाद आगे ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, मज़ीद आगे कंटिन्यू होगा, पॉइंट्स नहीं पता क्योंकि मैंने कम लिए हैं यहाँ पर, कम लिए हैं, लेकिन ये वैसे अगर आप 4 रख के देखोगे ना तो आगे लाइन जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा अब स्ट्रेट लाइन जो आई थी उससे मिला लेते हैं, थोड़ा सा हमारा मैसेज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, एक मिनट, ये तो बिल्कुल सही मीट होनी चाहिए, हाँ बस सही। अच्छा जहाँ पर ये मैसअप हुआ है ये इसको ऐसे कर लो, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन ही ऑलमोस्ट आ रही है, ये देख लिया आपने, ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। अब ये देखो ऐसा ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही था ना, 1, 3, 1, 3 है, और भी निकल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आगे भी ये लाइन मिलेगी एक दूसरे से, लेकिन हमने आगे के लिए काम नहीं किया, हमने यहीं तक रोका इसे। मज़ीद आप आगे के लिए काम करोगे ना तो मज़ीद भी लाइन आपस में और जगह पे भी जाके और पॉइंट पे भी जाके मिलेगी। अब ये कह रहे हैं 4 और 6 पर भी मिलेगी,
यानी एक नंबर और बढ़ा लो आप, कोई मसले की बात नहीं है, एक नंबर और बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो, ठीक है। फोर और सिक्स को मज़ीद ऐड कर लो, फोर फोर एक्स है ना, हाँ फोर और सिक्स। अब आपको दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है, फोर और सिक्स देखो, फोर प्लस टू ये तो सिक्स आ गया, फोर एक्स मैंने फोर रखा था ये सिक्स आ गया, ठीक है। चलो ये तो आपको बात समझ में आ गई, अब मज़ीद आपको दिखाता हूँ। फोर रखो और सिक्स आएगा, इस इक्वेशन में डालो, फोर का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई फोर और प्लस सिक्स, देखो सिक्स आ गया, ठीक है। देखो इक्वेशन तो भी प्रूव करके दिखा दिया, तो फोर पर सिक्स, अब फोर यहाँ पर होगा हमारा, अगर होता तो ये यहाँ पर आता, ठीक है आखिर में, तो फोर और सिक्स ये रहा। देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन इससे मीट कर गई, ख़त्म बात। और ये जो मैंने यहाँ पे यू निकाल दिया ना, ये यू नहीं निकलना था, क्योंकि देखो ये मैंने अंदाजे से बनाया था, अंदाज़ा देखो मेरा गलत निकला, ये असल में ये यू जाएगा, यू जाकर फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, इस तरह निकलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफ छोटा है इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन हमने 75% ऑफ ग्राफ फिर भी यूज़ कर लिया है, आप देखोगे ना 75% ऑफ ग्राफ यूज़ हुआ है हमारा। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए ये काम आते हैं ग्राफ, ठीक है। देखो आपके सामने पूरा साफ सुथरा बना है, अगर ऐसा पेपर में बना कराओगे पूरे मार्क्स लेकर ले लोगे इंशाल्लाह। चलो ये तो हो गया ना, अब इसका नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, सेम एज इट इज़ होगा। अच्छा ये याद रखना, ये एक एक नहीं है, ये पूरा एक है, ठीक है। वर्टिकल में नहीं देखेगा, हॉरिजॉन्टल में देखेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। पहले एक्स प्लस टू टाइप एक्स प्लस फोर दे दिया। अच्छा जी एक्स, इसमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन वन एंड लाइन टू इस नहीं होगा, ए आर ई आर एंड फोर और सिक्स। देखा जब भी मैंने कहा था ना ज़्यादा पॉइंट लोगे ताकि आपकी लाइन भी तो ड्रॉ होनी चाहिए ना, वो भी तो नज़र आएगी ना ड्रॉ के, जब वो बगैर ड्रॉ होके दिखेगी। चले अच्छा हम किधर थे, इसकी वर्डिंग पे थे हम। ये अपने आप में एक आर्ट है ग्राफ बनाना, और हम हैं आर्टिस्ट जो ग्राफ बनाएंगे, टेन है। चले अब देखें भाई, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि भाई सोल्यूशन है हमारा, और क्या सोल्यूशन है कि ये वाई है, और क्या सोल्यूशन है कि ये वाई है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन नंबर वन है आपकी, ये इक्वेशन नंबर टू होगी आपकी, यूज़ इक्वेशन वन। अच्छा इक्वेशन वन जब यूज़ करेंगे बहुत सिंपल सी बात होगी। अब इसमें भी मेरे को लग रहा है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होंगे, ठीक है, पहले में भी दो थे, लेकिन अब एक मसला है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, अब अंदाजे से तो काम नहीं करूँगा मैं, है ना। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है अभी मैं समझाता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसलिए ऐसा करना पड़ा, ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स ज़्यादा एक वाई की एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर, माइनस थ्री रख लो, माइनस टू रख लो, माइनस वन, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, सही है। अब इसमें आपके सारे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कवर हो जाएंगे। अच्छा करना कुछ नहीं है आपने, बस ये वर्डिंग, अच्छा एक्स प्लस फोर माइनस थ्री वन आ गया, माइनस टू टू आ गया, थ्री आ जाएगा, थ्री और ज़ीरो, ठीक वन आ गया। अब तो वैसे ही पता चल रहा है फाइव और सिक्स सेवन, ठीक है एट
फोर में फोर ऐड किया, एट नाइन और टेन, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी लाइन आ गई, यूज इक्वेशन टू। अच्छा, इक्वेशन टू लिख देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना इसलिए नीचे बना रहा हूँ, हमें अपनी लिए आसानी से काम करना होगा, ठीक। सेम ऊपर वाला काम होगा, रिपीट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अच्छा चले स्क्वायर, ठीक है, समझ लो ब्रैकेट x है और प्लस सिक्सटीन है टेन है, माइनस थ्री, कोई देखो कोई मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेटर तो जल्दी चला लोगे ना, 37। अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, इसको डील करने का देखते हैं क्या तरीका निकलेगा, क्योंकि हमें अपना 60% 70% ग्राफ भी यूज़ करना है, ये भी हमारा एक मकसद है। 26 थ्री का टेबल चला सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है, या जो कोई अच्छा टेबल चल रहा होगा वो चला देंगे। वन ज़ीरो और फिर तो टेन ही आएगा, प्रूफ भी कर लो, चलो प्रूफ भी हो जाएगा कि क्या ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। वन वन फाइव टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव सिक्स टेन। देखो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है 15 और एक आ रहा है 6 10, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन वन एंड लाइन टू आर 15। ये यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी आपस में आके इस पॉइंट पर, और 6 और 10 आगे और भी होंगे, ये तो यहाँ पर इनफ नहीं है, लेकिन अभी ये दो आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि नहीं दो ही आने चाहिए, हाँ इतने ही आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आएंगे, चलो आगे देखते हैं, क्योंकि आगे फिर तो वो एक लाइन ऊपर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी। अच्छा अब देखो, यहाँ तो ग्राफ मैं बना चुका हूँ ना, अब मेरे पास पीछे एक दो मैंने सवाल आए बगैर ग्राफ वाले किए थे ना, हाँ इधर बना लेते हैं। अच्छा देखो, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऊपर से एक्सिस एक्स वाई एक्सिस, नीचे वाई का नेगेटिव, एक्स का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू 37 है, तो वाई एक्सिस 37 आना चाहिए, ऐसा रखना, तो 3 रखूँगा तो नहीं आएगा, 4 रखूँगा तो आ जाएगा, तो 4 का टेबल चला दो वाई पर, 4 8 12 15 तो नहीं आता, 16 20 24 28 32 36, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, हो गया हमारा काम कवर। अच्छा अब देखो, y एक्सिस का तो मसला नहीं है, y एक्सिस पे तो हमने वही रखे हैं, 1 2 3 चल जाएगा हमारा y एक्सिस पे, देखते हैं 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 8
ट्वेल्व फिफ्टीन नहीं सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सही। ये जो मैं एक दो तीन चार पाँच छः कर रहा हूँ ना, इसमें मैं टेबल ही पढ़ रहा हूँ असल में। अच्छा माइनस थ्री माइनस वन, इसको इधर रख लेते हैं, पेन पेन वगैरह कुछ रख लेते हैं, बल्कि स्केल ही रख लो ना। अच्छा देख लिया ना नंबर, माइनस पहला नंबर क्या है, माइनस थ्री माइनस वन। तस्वीर खींच के अपने पास रख लो यहाँ पर, तो देखते रहना उसको। माइनस थ्री माइनस वन में तो ये ऐसे चिटिंग कर लेता हूँ, माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री, इसमें वन तो बिल्कुल इधर ही आ रहा होगा, इधर ही आ रहा होगा, ये बिल्कुल इस पर बन रहा होगा, बिल्कुल इस पर थ्री को ऊपर बना देता हूँ, ठीक है इधर ही बन रहा होगा ये। अच्छा नहीं माइनस थ्री और वन है, एक गलती हो रही है, माइनस थ्री माइनस वन नहीं है, माइनस थ्री और वन है। देखा पेंसिल से लिखा तो मिटा सकते हैं, हमारे टाइम पे आता था मिलन का रेजर, शायद आपको याद हो, उससे भी बड़ी याद है, उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आती थी, तो पता नहीं वो डालते थे या खुद ही आ जाती थी, वैसे कोई डालने की वजह तो नहीं है खुशबू। अच्छा यहाँ आएगा माइनस थ्री और वन पॉजिटिव में। अच्छा माइनस टू और टू, माइनस टू और टू जस्ट थोड़ा सा ऊपर, बस इतना ऊपर कर लो कि स्ट्रेट लगे, ठीक है। अच्छा माइनस वन और थ्री जस्ट इधर, देख रहे हो मिल भी रहा है और आपको समझ भी आ रही है बस। अच्छा वन और ज़ीरो पे ज़ीरो, ये क्या बात है, नहीं नहीं ये हमसे यहाँ गलती हो रही है, ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ, फोर आएगा, इसको ठीक कर लो भाई, ये छोटी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ आएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, कर्व थोड़ी ना है, अगर वो ज़ीरो पे ज़ीरो तो कर्व हो जाएगा। वन और फाइव नहीं, टू नहीं, ये यहाँ पर आएगा, ये लाइन यहाँ, ये ज़ीरो और फाइव फोर, ठीक है। अच्छा वन पर फाइव आएगा, जो कि ज़रा सा इसके ऊपर आएगा, ज़रा सा इसके ऊपर। अच्छा टू पर देखो, ये देखो टू पर सिक्स, टू पर जस्ट ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर होगा सिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो थ्री पर सेवन, थ्री पर सेवन जस्ट थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद देखो फोर पर एट, फोर पर एट ही तो इधर ही आ जाएगा। फाइव पे नाइन, फाइव पे नाइन जस्ट थोड़ा सा ऊपर। सिक्स पर टेन जस्ट थोड़ा सा ऊपर। चलो ये आपने इसकी स्ट्रेट लाइन अभी बना लो भाई, क्योंकि दोनों फिर हम एक साथ बनाते हैं ना, तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें फिर मिक्स हो जाते हैं दोनों के पॉइंट आपस में, तो इसकी लाइन अभी ड्रॉ कर डालो, इसको अभी जो बोलो भाई आप तो साइड हो जाओ। ठीक है, थोड़ा डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जो आगे पीछे लग रहा है ना वो सब इस पर ही आ जाए। ये थोड़ा इसलिए फ़र्क आ रहा है क्योंकि हमने वो वन टू थ्री नहीं रखा है ना, थोड़ा सा गैप है हमारा, यानी फोर और फाइव एट, फाइव फोर और एट के दरमियान नंबर है, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। माइनस थ्री थर्टी सेवन पॉजिटिव में, माइनस थ्री ये रहा थर्टी सेवन, ये जो हमने बनाया ना फोर्टी, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, ठीक है ये ले, सही है। माइनस टू और ट्वेंटी सिक्स, माइनस टू और ट्वेंटी सिक्स ये ट्वेंटी फोर के ऊपर होगा जस्ट थोड़ा सा। माइनस वन और सेवनटीन जस्ट यहाँ पर आ रहा होगा। ज़ीरो और टेन, ज़ीरो और टेन इस पर बनाना है, नाइन टेन इस पर बना लो, यहाँ बना लो, ठीक है। वन और फाइव नहीं, नीचे आओ, वन और फाइव, हाँ दो उधर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, वन और फाइव ये रहा, ठीक है। अब इसको एक काम करता हूँ, कुछ वो कर देता हूँ, बल्कि ज़रूरत नहीं है, पेंसिल से ही बना देना, ठीक है। टू और टू दो, ये भी टू, ये भी टू, टू पे सिक्स है ये, टू और टू, ये भी टू, ये भी टू, इधर आ रहा होगा,
मिड में बनाते हैं। अच्छा थ्री और वन, थ्री और वन जस्ट जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर होगा, ज़ीरो और फोर के दरमियान। फोर और टू, देखो अब आपकी लाइन ऊपर जाना शुरू हो गई। फाइव और फाइव, नहीं फाइव और फाइव नहीं होगा, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि फाइव पे फाइव आ रहा है, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फाइव का स्क्वायर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस टेन, सही है फाइव आ रहा है, अच्छा है ना वेरिफिकेशन हो गया। तो फाइव पर फाइव इस जस्ट थोड़ा सा ऊपर, बाकी सिक्स पर तो टेन आ ही रहा है ना, पता है ना, ये देखो ना सिक्स पर टेन। अच्छा अब देखो आपकी लाइन मज़ीद ऊपर जा रही होगी। अब ये यहाँ जो है ना, ये अंदाजतन बना रहा हूँ मैं, ठीक है ये अंदाजतन है। अब अपनी ये वाले कर्व मिला लो ज़रा, अब देखो ये अंदाजे तो नहीं बन सकता ना इतना ज़बरदस्त कर्व, तो आपको पॉइंट पता होंगे जभी तो बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लिख दूंगा, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जो वन और थ्री, वन और फाइव पर हुआ है, बाकी देखो नहीं हुआ, कोई आगे नहीं हुआ, कोई नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, फिर ये आपका आगे लाइन आगे मज़ीद जाती रहेगी। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, एक वन और एक फाइव, फाइव पर हुआ है, ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, देखो ये देखो पता चल भी रहा है, और ये भी मज़ीद आगे जा रही होगी लाइन। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकला है सिक्स और टेन, ये लो ये ऐसे बनना था, देखो ये बड़ा साफ बना है, उसकी वजह ये है कि इसमें मैंने एक्यूरेसी ज़्यादा फॉलो करी। अब ये 75% ऑफ ग्राफ यूज़ हुआ है, ग्राफ पेपर यूज़ हुआ है। अच्छा चलो यहाँ पर बात ना ख़त्म हुई है ना कम हुई है, अब हम अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर एंड देन क्वेश्चन नंबर फाइव। चलो वो करते हैं, वो कराता हूँ आप लोगों को ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। सो स्टूडेंट हेयर वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कंडीशन दी गई है एक छोटी सी, कहा जाता है द पाथ ऑफ टू एरोप्लेन। समझ लें आपके पास दो एरोप्लेन है, और अमूमन आपने देखा होगा एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होते हैं, मतलब फ्लाई कर रहे होते हैं। एरोप्लेन दो हैं, एक ए है एक बी है, इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन। अच्छा जो एरोप्लेन ए है, ये जो आपका एरोप्लेन ए है, इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझ लो ये एरोप्लेन वन है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है। तो भाई अगर लाइन पे मूव कर रहा है तो एक लाइन की इक्वेशन तो होगी ना, तो वो ये रही, ठीक है एरोप्लेन ए के लिए। अब इसी तरह समझ लो एरोप्लेन बी है, वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो उसकी भी एक इक्वेशन होगी, तो वो ये रही। रिस्पेक्टली का वर्ड जब भी यूज़ हो जाए ना, इसका मतलब ये है कि पहली वाली चीज़ पहले वाले के लिए है, दूसरी वाली चीज़ दूसरे वाले के लिए। चलो अब आपने ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट द टू पाथ क्रॉस ईच अदर, आपने वो पॉइंट पता करना है जहाँ पर ये दोनों प्लेन आपस में मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है सेम टाइम पे नहीं मिलेंगे, मैं बताता हूँ, अगर सेम टाइम पे मिलेंगे तो आपको पता है कितना बड़ा हादसा हो सकता है। होगा कुछ इस तरह से कि एरोप्लेन वन पहले चलेगा और यहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ से 5 मिनट पहले ही गुजर जाएगा, फिर एरोप्लेन टू यहाँ से फ्लाई करता हुआ आएगा, 5 मिनट बाद गुजरेगा। लेकिन अगर मैं उन दोनों का रास्ता बनाऊँगा तो वो दोनों तो आपस में रास्ते तो मिलेंगे ना, बस ये है। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, एविएशन सेक्टर में भी ये यूज़ है। देखो अब एविएशन सेक्टर का मुझे नहीं पता था, ये भी पता चला, तो आपको पढ़ाने की बरकत से मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना, घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं, घबराना परेशान बिल्कुल नहीं होनी आपने। आपने क्या करना है, जैसे मैंने पीछे सवाल सॉल्व कराया था वैसे ही करना है, सोल्यूशन गेटिंग डालनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा इक्वेशन नंबर वन लिख लें, 2x - y = 6। अच्छा आप देखो ये थोड़ा अनएथिकल है कि इस पेज पे काम किया जाए, लेकिन असल में मेरे पास अब था नहीं, ये ग्राफ का पर्चा भी बचा हुआ था तो मैं इसी पे कर रहा हूँ, थोड़ा सेफ भी तो करें ना। अनएथिकल मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं होती कि आप इस पेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए तो आपको पता है ज़रूरत में इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं कर सकता। अब देखो हमें इक्वेशन थ्री और फोर बनानी है क्योंकि हम वाई के लिए सेट कराएंगे। फॉर इक्वेशन
थ्री एंड फोर। तो y को उधर ले जाते हैं, सिंपल सिक्स को इधर ले जाते हैं, तो y इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स इक्वेशन थ्री बन गई हमारी। ठीक, सर्कल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब इक्वेशन हमें फोर भी बनानी है, तो बस उधर ही ले जाओ, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, तो y इक्वल टू फोर माइनस थ्री एक्स, इक्वेशन नंबर फोर आ गई आपकी। अच्छा, दोनों स्ट्रेट लाइन की हैं, कैसे पता चल रहा है? x के ऊपर ना कोई स्क्वायर है, कोई भी और चीज़ नहीं है, सिंपल है। अच्छा, यूज़ इक्वेशन थ्री यूज़ करके आपको पता है क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे आप? ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोशिश ये होगी कि हमें मीटिंग पॉइंट जल्दी मिल जाए, और इसके मीटिंग पॉइंट ज़्यादा वो नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। ये लो, चलो अब ज़रा लिख लो x, आप सजेस्ट कर देना, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा, y इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स, चलें अब इसको जल्दी से कर लेते हैं फ्री, 2 और ये -6 -3, तो -12, अच्छा -2, तो ये -10, देखें कितना कोई मुश्किल काम नहीं है ना, -8 0 -4 2 -2 और 3 0, ठीक है, 3 पे तो 0 आना ही चाहिए था, ऑब्वियस है। अच्छा, तो अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा निकलता है। यूज़ इक्वेशन, ये मैं n बनाता हूँ, थोड़ा u टाइप लगता होगा ना। अच्छा, तो देखें ज़रा इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये मेरे आ गए, ठीक है, सही है। x और y इक्वल टू 4 -3x। अच्छा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऑब्वियस है। अच्छा चलें, अब हम अपना सेट करा लेते हैं, 4 -3 -3 -2 1 0 डालेंगे तो 4 ही आ जाएगा, रख के भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक। अब ये +1 +2 और 6 3 -5। अच्छा, ये आ रहा है। अब देखिए कौन सी वाली जो है वो मीट कर रही है, ये देखें, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट कर रहा है 2 2, तो यानी 2 और -2 पे ये दोनों मिल रहे हैं। अब आप छोटी सी वर्डिंग लिखें, अब ग्राफ बनाना भी है, ठीक है, ग्राफ भी बनाना है। द टू एरोप्लेन, यानी आपको पता है वो हवाओं में उड़ेंगे, एरोप्लेन मीट एट पॉइंट माइनस, पहले 2 एंड देन -2, ठीक है। चलो देखो कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है, थोड़ा लुक आ गई है काम में। अच्छा देखिए, अब सबसे बड़ा नंबर हमने 13 यूज़ किया है, सबसे बड़ा नंबर 13 यूज़ किया, तो अगर हम 2 का टेबल यूज़ कर लें तो हमारा काम, लेकिन ये y एक्सिस पर है 13। ज़रा रुकें, मैं भी चेक करता हूँ क्या करना है मुझे। देखो मैंने इस तरह से पढ़ाया है आपको, अगर बोर्ड के पेपर में आप इसे करते हो तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने लॉजिक्स इसमें जो थे वो पहले क्लियर करें, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रख के काम करा है मैंने अपनी तरफ से, कि 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, वैसे 4 है नहीं लेकिन 4 तक लिख रहा हूँ। x हो गया, y हो गया, एंड देन x हो गया, एंड देन y हो गया, ठीक है। 0.5 1 1.5 2 2.5
3.54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हैं, 13 तो नहीं आएगा, तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये सर हमारा साफ नहीं चल रहा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ठीक है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन सेम 2 हर बार आपको करना होगा। देखिए मैंने हर बार किया है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये सोच लेना बेटा ये ऐसे होगा, मैंने हमेशा आपको करके दिखाया। तो आपने भी जब भी ग्राफ बनाना है बिल्कुल भी वो नहीं करनी सुस्ती, और हमेशा आपने इसे बनाना है ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है ना। अच्छा बस अब चलें प्लॉट करते हैं वैल्यूज़ को, -12 और -3 -12 ऑब्वियस है -3 और -12 -3 -12 अच्छा -2 -10 -1 -8 -1 -8 0 और 6 0 पे 6 1 पर 4 1 पर 4 2 पर -2 देखो एक्स तो पॉजिटिव है ना लेकिन वो नेगेटिव है, 2 पे -2 और 3 पर 0 3 पर यहाँ के 0 हो गया ठीक है। -13 -3 -13 तो नहीं -3 और +13 -3 और इधर दरमियान में आएगा, 12 और 14 के दरमियान में आपका 13 लाया करेगा। -2 +10 -2 +10 देखो एक एरोप्लेन यूँ आ रहा है अक्सर देखा होगा ना फिल्मों वगैरह में, तो आप देख रहे हो आप कितना डिटेल में पढ़ रहे हो चीज़ों को, खुद अपनी आंखों से चीज़ों को विजुलाइज़ कर रहे हो, तो फिल्मों में आपने होती भी देखी होंगी कि कैसे होता होगा ये सब कुछ ठीक है। ये बीच में लाई करेगा 0 को 4 देखो 0 को 4 ये 0 ये 4 x0 y4 1 1 दोनों 1 1 अच्छा आई थिंक ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, एक बार इसे 1 2 हाँ सही है नहीं ठीक है माइनस कभी कभार ये देखो ये तो यही पॉइंट मिलेगा 3 और 5 3 5 यहाँ दरमियान में लाया करेगा। चलें देखें हम यूँ आए थे ना 3 पे 0 ठीक है, हम ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी वजह ये है कि हमने बड़ा एक्यूरेसी को फॉलो किया है इसमें। देखें कैसा स्ट्रेट लाइन निकली ठीक है, कोई आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ा, कोई इधर उधर भी नहीं करना पड़ा और इधर भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी चीज़ों को। चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये इस पॉइंट पर आके हम इंटरसेक्शन हुए जहाँ जहाँ थोड़ा सा आउट हुआ है वहाँ डार्क कर देते हैं ये लीजिए ठीक है। तो ये जो था 2 और -2 ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई मुश्किल परेशानी बिल्कुल आसान सी बातें करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये देखें इतना देखें ठीक है, ये देखें क्लैरिटी बात समझ आई जी सर। चलें आ गई है तो फिर अब आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं, उसके लिए तो नई ग्राफ बुक लेनी ही पड़ेगी। चलें तरक्की हो गई है गांव में, नई ग्राफ बुक आ गई है तो ये पुरानी ही लेकिन इसका पेजेस कहाँ है ठीक है, तो ये आ गया, ये अच्छी ग्राफ बुक है देखें इसका काफ़ी अच्छे पेजेस हैं। तो एक काम करेंगे इधर सॉल्विंग कर लेंगे इधर ग्राफ बना लेंगे ठीक है। तो चले पहले सवाल करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है, सवाल देखते हैं स्टूडेंट। ये रहा सवाल और ये सवाल में इक्वेशन है कंडीशन में है, पहले तो पहला वाला तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा उसमें कोई मुश्किल नहीं है, दूसरा वाला इक्वेशन निकालनी शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे लेकिन मसला नहीं है, बात समझ आएगी इंशाल्लाह। देखो ये मेरे पास पेज है ये मेरे पास ग्राफ है इस पर बना लेंगे ठीक है, आओ ज़रा कंडीशन वो इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा इसमें लिख लिया करो हमेशा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है देखो कहते हैं इफ़ द सम ऑफ ये ऑफ है ठीक है, इफ द सम कह रहे हैं सम आपको पता है ना दो नंबरों का ऐड करना, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 6 दो नंबरों का सम 6 है
अब वो नंबर नहीं पता आपको, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं पता, पहला नंबर नहीं पता x, दूसरा नंबर नहीं पता अलग है पर y, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि दो नंबरों का सम 6 है और बात समझ भी आ रही है। अगले में कहते हैं एंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 बाय सेकेंड नंबर, कह रहे हैं पहले नंबर का स्क्वायर और उसमें सम हो रहा होगा दूसरा नंबर, यानी मैं बताता हूँ पहले नंबर का स्क्वायर हो रहा है और दूसरा नंबर 6 प्लस वाई, कैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जो था उसका स्क्वायर हो गया, देन इज ग्रेटर, वो ग्रेटर है देन 6, 6 से बड़ा है बाय द सेकेंड नंबर, यानी 6 और y आपस में ऐड हो रहे हैं, ये कंडीशन में लिखी हुई बात, अगर थोड़ा गौर करोगे ना बात समझ आ जाएगी। अच्छा अब देखो दो इक्वेशनें आ गई, अब दोनों को y के लिए सेट करा देते हैं, यूज इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको y के लिए सेट करोगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब इसी तरह से ऑब्वियस है दूसरे के लिए भी काम करना पड़ेगा, यूज इक्वेशन 2, वैसे लिख दी थी वर्डिंग, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो वाई इधर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अच्छा अब वही कंडीशन है, आपको तरीका पता है यूज़ करना कैसे, यूज़ इक्वेशन, इसे नज़रअंदाज करना, ये पहले वाला सवाल है 8.3 का, यूज़ इक्वेशन 3, अभी भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है, ठीक है, ये जो इन्होंने कहा है ना फाइंड द नंबर्स, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है, जब भी कहा है ना फाइंड द नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना होता है, वाई इक्वल टू अब ये ज़्यादा बनाने की वजह है पता है क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना वो थोड़ा सा अलग सा आएगा, मैं दिखाता हूँ, x हो गया और y इक्वल टू 6 माइनस x हो गया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह छोटी रह गई मुझसे, ये लिखा मैंने y इक्वल टू x 6 माइनस x, क्योंकि बहुत छोटा करके लिख दिया, माइनस 4, सर ये क्या आप तो माइनस 4 से शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि माइनस 4 पे ही दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, मैंने कहा ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, अभी तो हमें, लेकिन पेपर में भी कोई इतना मसला नहीं होगा, ऐसा ही करीब करीब होगा और हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है, तो 6 माइनस इक्वेशन क्या है 6 माइनस एक्स, तो माइनस 4 10 आ गया, 3 तो 9 आ गया, 2 तो 8 आ गया, 1 सॉरी 7 आ गया, ठीक है मैं समझा माइनस नहीं लगा रहा मैं, 0 तो 6 ही आएगा, अब माइनस हट गया, 1 तो 5 आ गया, 2 तो 4 आ गया, 3 तो 3 ही आ गया ना, ठीक है माइनस हो गया ना। अच्छा अब यूज़ इक्वेशन 2 सॉरी 4 2 तो यूज़ कर लिया, यूज़ इक्वेशन 4, अच्छा तो अब माइनस 4 मैंने ऊपर लिया तो यहाँ भी लेना होगा ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने कहा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दो निकलेंगे इसमें, एक माइनस 4 की वजह से निकलेगा एक्स, अच्छा ये एक कर्व होगा ठीक है, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर आया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, चले स्क्वायर माइनस 6, ठीक है तो माइनस 4 देखें सेम आया, यही तो बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी होगी, चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, इक्वेशन जो बन जाती है ना, इक्वेशन बनती है कंडीशन पर,
अगर एक बार आपने इक्वेशन बना ली और इक्वेशन बनानी आ गई तो समझने काम हो जाएगा। अच्छा माइनस टू डाल के देखते हैं, माइनस टू जा रहा है, सिर्फ टू डाल के देखते हैं तो माइनस टू आ रहा है, और सिर्फ थ्री डाल के देखते हैं तो थ्री आ रहा है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं, एक माइनस फोर टेन और एक थ्री थ्री। तो अच्छा देखो, कर्व भी एक लाइन ही होती है, स्ट्रेट नहीं होती, लेकिन कर्व भी एक लाइन होती है, ये याद रखना। तो टू लाइन, या ये लिख लो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन वन एंड कर्व आर। अब देखो मैंने यहाँ पर लाइन लिख दिया था लाइन टू, तो भी कोई गलत बात नहीं थी, ठीक ही ठीक है, लेकिन वो कर्व वाली लाइन होती, ठीक है। एंड कर्व आर माइनस टेन और माइनस फोर और टेन एंड वन थ्री थ्री। चलो अब देखो बहुत प्यारा सा ग्राफ बनेगा, और इसको यहाँ रखते हैं ग्राफ बनाते, इसको देखते रहना, अब तो मुश्किल ही नहीं होगा ग्राफ बनाने में। देखो सबसे बड़ा नंबर तो टेन है वाई पे, यानी हमारा वाई एक्सिस तो कवर हो जाएगा और एक्स एक्सिस भी कवर हो जाएगा हमारा फोर से। देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या, माइनस फोर, तो 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 हो जाएगा 0.5 1 2 sorry 1.5 2 2.5 3 3.5 4, ठीक है। देखो हमारे फोर तक तो आ जाएगा। एक और चीज़ भी ज़्यादा अच्छी होती है कि आपका जो नंबर है ना वो यहाँ तक वाले पे हो, मतलब फोर यहाँ आना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, फिर भी आपका ग्राफ रीडेबल ही रहेगा। जो जो मैं बातें बताता हूँ ना, आप लोग उसे मेमोराइज रखा करो, ताकि जब आप कभी ये चीज़ कर रहे हो तो आपको पता हो हाँ भाई सर ने, फैज़ भाई ने ये बात बोली थी, इस तरह करना। कोशिश रहती है मेरी कि अच्छा से अच्छा करा दूँ, लेकिन फिर भी भाई कभी कभार आपको पता है हमारी भी नॉलेज कम है तो हो जाती है गलती। ठीक है, तो देखो दूसरा भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, अब तो पूरा ही ग्राफ यूज हो जाएगा मेरे ख्याल से। रेट दे एक मिनट। ठीक है भाई, ये रहा आपका ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है उस तरफ। हाँ ये नज़र आ रहा है ना, विजिबिलिटी है। अच्छा देखो माइनस फोर टेन, माइनस फोर ये रहा, प्लस टेन ये रहा, यहाँ पर आएगा बिल्कुल ही आखिर में चला ये, लेकिन कोई नहीं, चलो अच्छा समझ में आ गया। माइनस थ्री नाइन, माइनस टू एट, एट का भाई ये रहा, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये याद रखना। अगर आपने इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल लिए हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, तो यानी आपने इक्वेशन गलत सॉल्व की है। देखो मैं जो रख रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, माइनस वन से सेवन, ज़ीरो से एक्स ज़ीरो है तो ये सिक्स है, वन से फाइव, टू से ये टू का ये 1.5 है, ठीक है, टू से फोर, थ्री से थ्री, देखो ये एक्स भी थ्री वाई भी थ्री। अच्छा अब दूसरा बनाते हैं, माइनस फोर से टेन, ये यहीं से शुरू हो रहा है, दोनों ये सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा माइनस थ्री से प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री हो जाए प्लस, माइनस टू से दोनों माइनस टू। अच्छा ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, कि
नहीं मैंने शायद वेरीफाई किया भी था, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 है लेकिन वो प्लस ही हो जाएगा। चलो फिर भी लगा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में, माइनस है। हाँ ये क्या आ रहा है? नहीं 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 अब सही है, ठीक है सही आ रहा है। कैलकुलेटर अलग तरीके से देखता है इक्वेशन को, ठीक है वो मैं बताऊँगा जब कैलकुलेटर बनाऊँगा ना सीरीज़ वगैरह, वरना ये भी मुझे बताना है आप लोगों को। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ इसको प्रॉपर समझाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है देखो, 0 माइनस 6, 1 माइनस 5। अब देखो आपकी इक्वेशन दोबारा ऊपर आने, आपका ग्राफ दोबारा ऊपर आने लग गया, 2 और माइनस 2। अच्छा अब यहाँ पर आके ये देखो 3 और 3, ये देखो समझ में आ गई बात क्या हो क्या रहा है? जी सर आ गई। चले आ गई है तो फिर ख़त्म बात करते हैं ना। देख रहे कैसा स्ट्रेट लाइन आ रही है, कोई मुझे तरतीब भी नहीं करनी पड़ी, कोई दो नंबर काम भी नहीं करना पड़ा कि पॉइंट आगे पीछे करने पड़े। जब ही तो कहा था मैंने कि मुझे स्टूडेंट कहते हैं ग्राफ बनाने का मेरे क्लासमेट। अच्छा ये बिल्कुल गलत है, स्ट्रेट लाइन से कभी भी नहीं बनाया करो कर्व, वरना वो अजीब सा नज़र आता है। हमेशा ऐसे बनाओ क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे ना दो तीन स्ट्रेट लाइन तो अजीब सी लगेगी, फिर वो तीसरी स्ट्रेट लाइन और अजीब सी लगेगी। ये गलत है, ये जहाँ पर आ रहा था मैं ऊपर चला गया, ठीक है अब सही है। अच्छा डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, ये तो डोरेमोन की पॉकेट बन गई जिसमें से वो गैजेट्स वगैरह निकालता है। बहुत देखे हमने डोरेमोन, समझ ले मैं आपकी जनरेशन से ही हूँ, मतलब मैं कोई बहुत पीछे की जनरेशन का नहीं हूँ। ये लो, हाँ पबजी वबजी नहीं खेला मैंने कभी ज़िंदगी में, टाइम ही नहीं मिला वरना खेलते। जब ये सब कुछ शुरू हुआ पबजी वगैरह तो उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ शुरू हो गई, तो फिर यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं आपको पता है उनका टाइम वैसे ही डिवाइड हो जाता है, और फिर आपको पढ़ाना भी था तो इधर हमारा टाइम काफ़ी लग जाता था। लेकिन बाकी कार्टून्स वगैरह हमने देखे हैं, कार्टून्स देखते थे, डोरेमोन, पोपाय, पोपाय भी देखा है, शायद पोपाय आप लोगों ने नहीं देखा हो, जब हमने होश संभाला तो पोपाय बस उस टाइम पे आखिरी चल रहा था, फिर वो ख़त्म हो गया था, फिर और कार्टून आ गए बहुत सारे मशहूर मशहूर। तो ये एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, बड़े हो जाएंगे जितने भी याद रखेंगे इन चीज़ों को, खुश होते रहेंगे सोच सोच के अच्छा बचपना गुजरा हमारा भाई, खेल कूद में पढ़ा भी है खेला भी है, लेकिन बस अब आप लोग भी ऐसे ही करो मेहनत करो। चलो समझ में आई ना बात, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मेहनत भी हमारी कंप्लीट हुई, कुछ ना समझ में आओ ज़रूर पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।